Hi friends, welcome to my channel and welcome back to a new vlog. तो आज है संडे एंड हैप्पी संडे टू यू ऑल एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना संडे बिता रहे होंगे, मना रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे. तो बस आज है संडे एंड हम लोग सब रेडी वेडी हो चुके थे. मैं भी रेडी हूँ, पनव भी रेडी है एंड मैंने अपने बालों में शैम्पू कर लिया, आज सीरम लगा लिया ताकि बाल थोड़ा सा मैनेज हो पाए. सब हम लोग रेडी थे पर अचानक से मेरा मूड नहीं किया बाहर जाने का. तो फिर मैंने प्रणव को समझाया, एक सेकंड मैं फ़ोन कहीं पर रख के बात करती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा देर पकड़ नहीं पाऊँगी. तो हम लोगों ने सोचा था, मैंने एक्चुअली सोचा था, वो क्या सोचेगा, मैंने उसको बोला कि 11:30 बजे तक तो मैं अपना एडिटिंग वगैरह कर रही थी एंड वो अपना टीवी देख रहा था. एंड सुबह को आज बहुत देर तक हम लोगों ने स्पेलिंग प्रैक्टिस किया, स्पेलिंग डिक्टेशन ये सब कर लिया है. तो पढ़ाई वगैरह सुबह को हो चुका है थोड़ा बहुत. एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया. फिर मैंने 11:30 बजे प्रणव को बोला कि प्रणव चलो आप नहा धो लो, फिर हम लोग कहीं घूम के आते हैं. तो ठीक है, उसने बोला ठीक है मम्मा. तो फिर वो भी नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, सब कुछ कर लिया, मैं भी रेडी वेडी हो गई, बाल वाल सब सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया. फिर अचानक से मेरा मन नहीं किया बाहर जाने का. मैंने सोचा कि घर पे ही हम लोग कुछ खाना ऑर्डर करके खा लेते हैं, क्योंकि सुबह को मेरा माइंडसेट था बाहर जाने का एंड उस वजह से मैंने लंच वगैरह कुछ बनाया भी नहीं था. ब्रेकफास्ट तो हम लोग प्रॉपर तरीके से कर लिए थे एंड वो जूस वूस भी पी चुका है. एंड फिर मुझे लगा कि ठीक है बाहर से खाना ऑर्डर कर देते. वैसे भी जोमैटो में मुझे बोल दिया मैंने ऐप का नाम, बट ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है. वैसे भी जोमैटो में मेरा भी बहुत रेस्टोरेंट्स में ऑफर चल रहा है. तो मैं वैसे भी जब भी खाना ऑर्डर करती हूँ ना, पनव का फेवरेट है चीज़ पास्ता. एक दो वीक पहले मैंने एक दिन रात को उसको चीज़ पास्ता ऑर्डर करके खिलाया था एंड मैंने भी खाया था. आई स्वेयर ऑन गॉड, उस कैफ़े का नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, इतना ज़्यादा कुछ हाई प्राइस्ड भी नहीं है. आई स्वेयर ऑन गॉड इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी था पास्ता कि पहला फिर से मुझसे मुझे बहुत दिनों से बोल रहा है कि मम्मा वहाँ का पास्ता खिलाओ, वहाँ का पास्ता खिलाओ. एंड वो पास्ता आज जैसे मैंने ऑर्डर किया, उस दिन रात को जब ऑर्डर किया था वो जो प्राइस लिया था, आज जब मैंने ऑर्डर किया मैंने देखा कि वो ऑफर में है, तो और 50-60 रुपीज मुझे कम में मिल गया. एंड मैंने अपने लिए ऑर्डर कर लिया है बिरयानी, चिकन बिरयानी इज माई फेवरेट. एंड मैं जो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करती हूँ उसमें भी हमेशा कुछ ना कुछ ऑफ रहता है, डिलीवरी पार्टनर फी का ऑफ रहता है, फिर GST में कुछ पैसा ऑफ मिल जाता है, एक कूपन कोड रहता है. तो इसमें भी मुझे 50-60 रुपीज ऑफ मिल गया. तो 500 के अंदर में हम दोनों का मतलब दोनों अच्छा अच्छा डिश हो गया. 500 भी पूरा नहीं लग रहा है तो आई एम हैप्पी. लेकिन अभी इसको लेके अगर मैं बाहर जाऊंगी ना तो यू कैन थिंक के बाहर जाने से फिर ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा एडिशनल, क्योंकि दोनों जन का 2 बार ऑटो चेंज करके जाना, फिर 2 बार आना, ट्रांसपोर्टेशन. एंड बाहर अभी काफ़ी धूप है, सुबह से तो आज काफ़ी क्लाउडी वेदर था, इतना कोई धूप वगैरह नहीं था बट अभी धूप भी है. एंड फिर इसको लेके फिर जाओ आओ. एक्चुअली बात क्या है ना कि हम लोग ना बहुत दिनों से मूवी जाने का सोच रहे हैं एंड आज मैंने एक मूवी का ट्रेलर देखा, तेरी बातों में उलझा जिया. वो मूवी ना मैंने देखा कि वो रोबोट्स लेके है, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा. एंड प्रणव भी बहुत दिनों से सोच रहा है, हम दोनों ही सोच रहे थे जाने का. तो उसने बोला मम्मा एक काम कर लो, खाना घर पे मंगा लेते हैं फिर मूवी चलते हैं. मैंने बोला बेटा दो चीज नहीं हो सकता कि खाना भी अच्छा खाओ फिर मूवी भी जाओ, क्योंकि मूवी टिकट्स भी यू कैन अंडरस्टैंड 250 के नीचे कोई मूवी टिकट्स नहीं होती है. एंड फिर से 500 और एक्स्ट्रा. तो मैंने इसको बोला बेटा आज एक काम करते हैं, आज हम लोग खाना खा लेते हैं, नेक्स्ट वीक हम लोग मूवी चले जाएंगे, उस दिन घर पे खाना खा लेंगे, घर पे खाना खा के हम लोग मूवी के लिए उस टाइम पे निकल जाएंगे. तो उसने बोला ठीक है मम्मा. तो फिर मैंने उसको बोला बेटा आपके लिए चीज पास्ता ऑर्डर कर दूँ, तो बोला हाँ ऑर्डर कर दो, थैंक यू मम्मा, ऐसा बोला. तो ठीक है मैंने ऑर्डर कर दिया एंड हम दोनों रेडी होके बैठे हुए हैं. प्रणव भी रेडी है, उसको भी मैंने नहला धुला के अच्छा ड्रेस वेस पहना के रखा है, वो TV देख रहा है. एंड फिर मैंने सोचा नहीं घर पे खाना ऑर्डर कर लेते हैं, फिर बाहर जाओ. एंड बाहर जाने से क्या होता है ना, थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है. हम दोनों का मनपसंद खाना फिर बाहर में ना
इतना सस्ते में तो मिलेगा ही नहीं, मतलब 500 के अंदर एक प्लेट चिकन बिरयानी, एक प्लेट अच्छा क्वांटिटी में व्हाइट सॉस पास्ता, नॉट मतलब इट विल नॉट बी अवेलेबल आउटसाइड। तो मैंने सोचा ठीक है घर पे अच्छा खाना खाओ डिस्काउंट में बैठ के, एंड फिर नेक्स्ट वीक हम लोग मूवी चले जाएंगे। एंड मैंने इसको बोला कि अभी खाना खा लो फिर थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके, एंड मेरा मासी का भी आने का टाइम हो जाता है, तो क्या होता है ना अगर हम लोग लेट करेंगे अभी आने में तो फिर उनको भी फोन करके फिर डिले करना पड़ेगा कि आप लेट से आओ, तो हर दिन ऐसा करने से फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो ठीक है आज हम लोग घर पे ही खाना पीना कर लेते हैं, एंड फिर शाम को अगर मन हुआ कहीं इधर उधर जाने का तो बस थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएंगे, एंड नहीं जाने का मन हुआ तो इट्स ओके घर पे ही रहेंगे। कम से कम घर पे अच्छा खाना मिल रहा है, थैंक यू टू गॉड फॉर एवरीथिंग कि कम से कम हम लोग अपना मन पसंद का खाना खा तो सकते हैं। ऑर्डर कब आएगा? ऑर्डर अभी मैंने चेक किया अभी शायद 20 मिनट्स लगेगा, 20-25 यू आर वेटिंग फॉर पास्ता। हां पास्ता गार्लिक टोस्ट देगा? हां गार्लिक टोस्ट मिलेगा तो। एंड ये देखिए ये है पनव का आउटफिट, पनव एकदम रेडी होके बैठा था। ये देखिए ये दुर्गा पूजा के टाइम में शायद मैंने, हाँ ये दुर्गा पूजा के टाइम में मैंने ये वाला टी शर्ट लिया था इसका, एंड साथ में है इसका ब्लू कलर का जीन्स। दिखा लूंगा। हाँ दिखा दे। अच्छा गोदी में चढ़ के दिखाएगा, अरे बाप रे ये देखिए ए ब्लू कलर का जीन्स, पूरा फोन भी हिल रहा है टेबल भी हिल गया। तो ये है पनव का जीन्स, एंड हम दोनों रेडी होके बैठे थे, कोई बात नहीं हम लोग घर पे बैठ के अच्छे से खाना खा लेंगे। एंड ये वेट कर रहा है, एंड अभी देखिए ना बार बार आके मुझसे टाइम पूछेगा ऑर्डर आने में कितना देरी है मम्मा, ऑर्डर आने में कितना देरी है। तो मैं बस बालकनी में थोड़ा देर आई थी, एंड ये देखिए मैं देख रही हूँ नीचे जोमेटो वाला ऑलरेडी आ चुका है, एंड ये मेरा बिरयानी आ चुका है मुझे पता है, तो बस अभी रिसीव कर लेती हूँ। मेरा चिकन बिरयानी तो आ चुका है बट पनव का पास्ता आना बाकी है, ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है मम्मा मेरा कब आएगा, तो इसका भी जल्दी आने वाला है। पनव का तो अभी 9 मिनट्स दिखा रहा है, आ ही जाएगा जल्दी आ ही जाता है, इतना कोई लेट नहीं होता है। और मैं हमेशा चेक करके ही ऑर्डर डालती हूँ कि ज़्यादा दूर से आएगा तो डिलीवरी पार्टनर फी भी बढ़ ही जाता है, तो मैं वो सब चेक कर लेती हूँ। एंड जो लोग ऐसे खाना ऑर्डर करते हैं उन लोग के लिए ये सब टिप्स है कि ये सब चेक कर लीजिए कहाँ पर कूपन है कहाँ पर ऑफर है, बिकॉज बहुत ऑफर्स चलते रहते हैं ये सब ऐप्स में, वो सब आप लोग को देख के ऑर्डर करना पड़ेगा। एंड ज़्यादा किलोमीटर बढ़ जाता है ना तो डिलीवरी पार्टनर फी भी बढ़ जाता है, तो फिर सरचार्ज भी बहुत जगह बढ़ जाता है, तो ये सब हमेशा देख के ऑर्डर करना चाहिए। पनव पनव ले लो, आ गया पनव का भी पास्ता, अच्छा है अभी हम दोनों कर लेंगे लंच। धो के लाई हूँ इसमें पानी है, ये है गार्लिक ब्रेड एंड यहाँ पर है पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, यहाँ व्हाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है ना। हाँ।
एंड ये देखिए एब्सोल्यूट क्रीमी चीज पास्ता। पर अब क्या हुआ, क्या बोल रहा है, फिर से बोल। पानी आ रहा। मुंह से पानी टपक रहा है। ये बहुत यम्मी होता है खाने में, मतलब इतना यम्मी पास्ता ना मैंने बहुत कम जगह पर ही खाया होगा। ये बहुत टेस्टी होता है, इतना क्रीमी है। देखिए मुझे तो खाने का मन कर रहा है। लो पनप खा लो। चम्मच तो चम्मच रुको, पनप इतना इतना स्माइल क्यों आ रहा है मुंह से? पेट पे चुहा दौड़ पेट पे चुहा दौड़ रहा है। देखिए कैसा कर रहा है। लो खा लो टेस्टी टेस्टी यम्मी पास्ता। अरे यार चम्मच तो खाली था, चम्मच को भर लो कम से कम। खाना खा लो खा लो खा लो। कैसा है बताओ? ऐसे कैसा है टेस्ट बताओ? यम्मी। आई नो इसका टेस्ट बहुत यम्मी है। खाओ। गार्लिक ब्रेड भी टेस्ट कर लेता हूँ। गार्लिक ब्रेड भी इसका यम्मी रहता है, एकदम तीखा नहीं रहता है। गार्लिक ब्रेड काफी तीखा रहता है बच्चों के लिए, बट ये जो कैफे का है ना, इसका गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा टेस्टी रहता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं रहता है एंड एकदम तीखा भी नहीं रहता है। इस दुकान का यही खासियत है कि बहुत जल्दी डिलीवर भी होता है एंड प्राइस भी उतना ज्यादा नहीं है, कम ही है, काफी कम है। अभी दूसरे अच्छे बड़े बड़े शॉप्स में चिकन बिरयानी का जो प्राइस चल रहा है उससे ये शॉप का काफी कमी है एंड टेस्ट भी काफी अच्छा है। आओ खा लिया। हाँ। कैसा था? पूरा प्लेट साफ अच्छा था ना? जाओ जाओ प्लेट रख दो चौका में अच्छे से। जाओ 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 चौका में रख देना, खाली धोने मत बैठ जाना। बेटा बाथरूम में जाके ना मुंह कुल्ला कर लो, एक बार गार्गल कर लो मुंह में। हाय फ्रेंड्स, अभी बज गया शाम का 5:30 एंड मासी अभी भी काम करके चली गई है। प्रणव कितना अच्छा बच्चा की तरह फेस करके बैठा है एंड मैं और प्रणव घर पे बोर हो रहे हैं, तो मैंने और प्रणव ने सोचा अभी थोड़ा देर बाहर कहीं घूम के आते हैं। तो बस हो गए हम लोग रेडी एंड अभी निकल रहे हैं हम लोग, थोड़ा देर इधर उधर घूम के जल्दी जल्दी आ जाएंगे क्योंकि कल है इसका स्कूल, तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, बस थोड़ा देर घूम फिर के आते हैं। यहाँ पर फुचका लेने आए हैं एंड ये फुचका हम लोग लेके जा रहे हैं मेरे सिस्टर बंटू एंड पनव एंड मेरे लिए, एंड हम लोग सोचे कि उन लोग को एक सरप्राइज विजिट देते हैं। प्रणव कैसा लग रहा है बंटू दी के घर आके? अच्छा, सरप्राइज विजिट अच्छा हुआ बंटू? हाँ, सरप्राइज हो गए तुम लोग? हाँ, बहुत सरप्राइज हो गए।
फुचका खाओ, फुचका पानी पूरी दो सबको दो। आ गई है यहाँ पर चाय एंड अभी देखिए घड़ी पे बजने वाला है 8, पर हम लोग को थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है तो इसीलिए। और ना क्यों ना आओ, बिस्किट चिप्स लेके आया। क्या लाया आओ, आई कैंडी क्यों लाया? पनम लो चाय बिस्किट खाना है तो खा लो। फिर से एक तो आई कैंडी ले आया। ये एकदम अजीब है ये आई कैंडी देखने में। ये देखो छोटू आई कैंडी, इसका बच्चा 5 रुपए का है। ओ इसका एक छोटा वर्जन भी लेके आया देखिए। हाँ पनम दो दो आई कैंडी ले आया, एक बड़ा आंख एक छोटा आंख, दिखा दोनों आंख, दिखा दोनों आंख पनम का है। मेरे से तो नहीं खुला, अभी ये बंटू को बोला मैंने ट्राई करो खुलता है कि नहीं। हाँ अब बंटू चक्कू से खोल रही है, ऐसे तो खुला नहीं। लो पनम आंख में चक्कू घुसा दिया बंटू ने, पूरा सर्जरी कर रही है आंखों का। लगा के है ईसा मंगल मोती मोया, जो लगा के है ईसा मंगल मोती मोया। हाय फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं रात का 9:15 एंड हम लोग बस अभी निकलने वाले हैं यहाँ से एंड बस ये कल है पनम का स्कूल तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे एंड डिनर मेरी सिस्टर पैक करके दे रही है हम लोग का रात का एंड फिर हम लोग यहाँ से डिनर लेके फिर चले जाएंगे अपने घर। पनम पनम ये क्या हो रहा है बेटा? कौन तुम्हारा मम्मी है? आपका दीदी तुम्हारा मम्मी है क्या? तो ये मम्मी नहीं चाहिए, ये मम्मी नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर बैठ के डिनर कर ही लिया एंड फिर पैक करके मैं नहीं लेके गई तो मैंने सोचा यहाँ से ही डिनर करके जाते हैं। बहन है तुम्हारा, बड़ा दीदी है। ओ उसको भी पुकू चाहिए, बाय बाय कर दो। मेरा पर्स दे दो। हाँ क्या कर रहा है? गाड़ी आ गया है। चलो बाय 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 बाय। तो हम लोगों ने कैब बुक कर लिया है बिकॉज अभी बज गया है रात का 10 तो अभी ऑटो का रिस्क नहीं ले सकते तो बस हम लोग आ गए हैं सड़क पे एंड सड़क पे रात को 10 बजे हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। रात का 10:15 एंड हम लोग जस्ट अभी घर आ चुके हैं। नहीं देखिए पनव का हालत, पनव बहुत ही थक गया है, बहुत ही ज्यादा, पता नहीं इतना थक क्यों गया है। जस्ट हम लोग गए हैं उन लोग के घर एंड फिर अभी हम लोग उबर करके वापस भी आ गए हैं क्योंकि रात बहुत हो चुका था तो ऑटो में आना हम लोग को रिस्की लगा एंड बस इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करूंगी। आज बहुत मजा आया सरप्राइज विजिट करके उन लोग के घर में, वो लोग भी चौंक गए थे एंड कभी कभार ना ऐसे सरप्राइज विजिट होना ही चाहिए क्योंकि हम दोनों का घर का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, कम ही है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है पर बिना बताए हम लोग कभी एक दूसरे के घर जाते नहीं हैं। आज बिना बताए जाके काफ़ी मज़ा आया एंड अच्छा लगा, मतलब को भी मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया। थोड़ा सा हम लोग का आउटिंग भी हो गया, मिलना भी हो गया है एंड
थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया है। बस तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही खत्म करूंगी, एंड करूंगी। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नए ब्लॉग में कल, एंड बस देखती हूँ कल और क्या नया होता है मेरी जिंदगी में। हर दिन ही एक नया नया कहानी हो तो हर दिन ही ब्लॉगिंग के लिए मुझे नया नया कंटेंट मिल जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे चैनल को देखते रहिएगा, एंड प्लीज डू शेयर माई वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड बाय बाय।